नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए चैनल पर। तो चैनल का नाम आप लोग को पता ही होगा, यूपीएससी एंड बीपीएससी। तो हम लोग इस चैनल पर अभी कंटिन्यूशन सीरीज देख रहे हैं किसका, बीपीएससी की तैयारी को लेकर, जो 64 एग्जाम आने वाला है बीपीएससी का। सबसे पहले हम लोग कवर करने जा रहे हैं बीपीएससी के प्रीलिम्स से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट है, मैं कवर करूंगा डेली, एक लेसन, दो लेसन, तीन, जितना हो सकेगा मुझसे मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो आप लोगों से करना क्या है, आप लोगों को करना है कि सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल की जो आइकन है उस पर भी आपको क्लिक करना है, ताकि जो फ्यूचर में मैं इस पर वीडियोस डालूं वो आपको मिलते रहे। और दोस्तों आप लोगों से कुछ एडवाइस भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहीं आवाज में प्रॉब्लम हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक, तो बताइएगा और थोड़ा सपोर्ट भी करिएगा। सपोर्ट ये कि शेयर भी कीजिएगा, और हाँ कम्युनिकेशन के लिहाज से आप लोगों से मैं बोलता हूँ कमेंट करिए, तो सुनकर कमेंट भी करिए, क्योंकि ये जरूरी है आपके प्रिपरेशन के लिए भी और सभी के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करें, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिहार के जनगणना को लेकर। क्या बिहार के जनगणना को लेकर देखें, और ये जो आंकड़े हम लोग देखेंगे वो होगा हमारा बिहार के जनगणना 2011 को लेकर। और 2011 के ही जनगणना में जो इंडिया में पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुआ था, उसी में जो है आपका सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी हुआ था, ये चीज आपको याद रखना है। और अभी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने है एक नया नोटिफिकेशन निकाला कि अगले जनसंख्या में जो होगा जनगणना जो होगा उसमें ओबीसी के लिए डाटा भी जो एकत्रित किया जाएगा। तो ये करंट अफेयर्स भी हमें थोड़ा लेकर चलना है, करंट अफेयर्स के ऊपर तो मैं वीडियोज डालूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले जो है बिहार में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 1872 में, किसके शासनकाल में, अगर आप लोग को याद नहीं है तो याद कीजिए और कमेंट करिए। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अगर नियमित यानी कि जो हर एक 10 साल पे हमारे यहाँ जो जनसंख्या या जनगणना होती है तो प्रत्येक 10 साल पे होती है, तो नियमित जो है जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 1881 ईस्वी में। और वर्ष 2011 का जो जनगणना था बिहार का या पूरे ऑल ओवर इंडिया का भी कह सकते हो, कितने थे, 14th, मतलब कि 14वीं जनगणना थी, ठीक है। और उससे संबंधित कुछ हम प्रमुख आंकड़े को भी देख लेते हैं। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या कितने है दोस्तों, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या है 5,42,78,157, या प्रतिशत में बात करें तो 52.14। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है बिहार में, 4,98,21,295, और प्रतिशत में बात करें तो है आपका 47.86%, ठीक, इतना याद रखना है। और हम जनसंख्या के लिए हाथ से अगर देखें इंडिया में तो कौन से स्थान पे है, तीसरे स्थान पर, जहां पर बिहार के कुल जनसंख्या जहां पर देश की कुल जनसंख्या का 8.6% लोग निवास करते हैं। और क्षेत्रफल के हिसाब से कितने हैं, मैंने पहले वाले लेसन में भी बताया था, बताइए कितने हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखें तो बताइए दोस्तों कौन सा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, और मुझे कमेंट करके भी बताना है। आगे देखते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, आप लोगों को पता होगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है पटना है, जहाँ पे 58,38,465 लोग है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, जहाँ पे 6,36,342 लोग है। और एक चीज इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.60% है, मैंने आपको बता दिया। और जनसंख्या के दृष्टि से जो है राज्य को देश में तीसरा स्थान प्राप्त है, ये भी मैंने बताया। और साथ ही दोस्तों एक चीज ये है यहाँ पर कि नगरीय जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो देश के 35 जो केंद्र शासित राज्य और जो हमारे प्रदेश है उसमें से, अगर केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य उसमें से नगरीय जनसंख्या कर देखें तो अवरोही क्रम में जो भारत का है, भारत में जो अवरोही क्रम में बिहार का रैंक है वो आपका 12 है। कितना है, 12वां रैंक है इसमें नगरीय जनसंख्या में, ठीक है। और जबकि नगरीय जनसंख्या ये प्रतिष्ठित यानी जो प्रतिशत है ना, तो प्रतिष्ठता के हिसाब से अगर देखें तो 34वां स्थान है बिहार का। और बिहार का जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला मैंने अभी आपको बताया पटना, कितना, 58,38,465, ठीक।
और सबसे छोटा जिला कौन सा है आपको बताना है दोस्तों, बताइए सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो यहाँ पे शेखपुरा है। आगे बढ़े तो अगला है दोस्तों यहाँ पर आप लोग के सामने कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है तो ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है। ये क्रम जो है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये आपको याद रखना है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है पटना का, ठीक, जहाँ पे 58,38,465 है। उसके बाद आता है पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी, फिर गया। ये सीक्वेंस पूछ सकता है लेकिन ये नहीं पूछ सकता है, हो सकता है पटना का पूछे कि कितना है लेकिन ये सब नहीं पूछेगा कितने क्या जनसंख्या। तो ये पूछा जा सकता है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी, फिर गया। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले शेखपुरा, ठीक, फिर शिवहर, फिर आपका अरवल, फिर लखीसराय, फिर जहानाबाद। हो सकता है इसमें से ये पूछ ले कि सबसे कम या सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले शेखपुरा है, तो वहां की जनसंख्या क्या है, तो 636,342। ये चीज याद रखना है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज ये मैं बता दूं, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला मैंने आपको बताया, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, ठीक। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, शिवहर, ना कि शेखपुरा, याद रखेगा शेखपुरा तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिला, मैं यहाँ पर नगरीय जनसंख्या की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों देखते हैं कि हमारे यहाँ ग्रामीण जनसंख्या के बारे में अगर डिस्कशन करें तो ग्रामीण जनसंख्या पूरे बिहार में 88.71% है। पूरे जितने भी 100% अगर बिहार की जनसंख्या है तो उसमें से 88.71% गांवों से संबंधित है। और जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या है आपका 4,80,73,850, ठीक, और महिला के 4,42,67,536, ये हमें याद रखना है। और दोस्तों जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है ग्रामीण में अगर बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण, यहाँ पर 46,98,028 व्यक्ति है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है आपका शेखपुरा, और शेखपुरा जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भी है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और न्यूनतम जो है जनसंख्या न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला मैंने बताया तो शिवहर, ऐसे चीजों को हम याद करते हैं तो हमें याद रहता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे पहले है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले में पूर्वी चंपारण, फिर है आपका मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी, फिर समस्तीपुर, फिर गया। और सर्वाधिक जो जनसंख्या वाले जिला आपको अगर ऐसे याद करना हो तो पटना, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ऐसे याद कीजिए, क्या है, सीक्वेंस हम जोड़ते हैं, क्या है कि हम एक चीज को एक मतलब कि कोई जो फैक्ट है फैक्ट को कैसे याद रखते हैं, फैक्ट को याद रखने का तरीका है कि कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, तुलनात्मक स्टडी जो होता है या अध्ययन जो होता है सबसे अच्छा होता है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले देखें तो सबसे पहले है शेखपुरा, फिर शिवहर, फिर अरवल, फिर लखीसराय, फिर मुंगेर। हो सकता है ये आपसे पूछे या ऑर्डर दे दे सजाने के लिए, तो इसको याद रखना है, ठीक है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में अगर बात करें तो कहां पे सबसे ज्यादा, समस्तीपुर में 96.53% है, समस्तीपुर के लोग ग्रामीण है। बांका में 96.50, मधुबनी में 96.40 जो जनसंख्या है ग्रामीण जनसंख्या है। आगे बढ़े तो आगे देखते हैं जो जनसंख्या के ओवरऑल डिस्कशन, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है पूर्वी चंपारण, जहाँ पे 4,59,08,028 व्यक्ति जो है ग्रामीण है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो अब आगे देखते हैं तो सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला पटना मैंने बता ही दिया था, और जो न्यूनतम नगरीकरण वाला जो प्रतिशत में अगर बात करें तो समस्तीपुर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना समस्तीपुर में जो ज्यादातर लोग हैं ग्रामीण है। और बिहार के सभी जिलों में पटना की जनसंख्या इतना है, ये सब हमारे लिए इतना काम नहीं होता। उसके बाद पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर है, फिर मधुबनी है, ये सीक्वेंस काम आ सकता है। और बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिला मैंने पहले भी बताया शेखपुरा, शिवहर, उसके बाद जो है आपका अवरल, ऐसे याद रखते हैं दोस्तों। और 2011 के जनसंख्या के हिसाब से राज्य की जनसंख्या घनत्व कितना है 1106, और पूरे राज्यों में पूरे ऑल ओवर जो इंडिया में राज्य है उसमें सबसे ज्यादा। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जो है बिहार का भारत में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में छठा और राज्यों में पहला स्थान है। याद रखिएगा कि 35 जो है उस 35 में से
जो है आपका छठा राज्यों में पहला, 29 में पहला। ठीक, तो 36 है टोटल, ये ऐसे भी याद रखते हैं। और राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, तो वहां के घनत्व कितने हैं 1880, सोच लीजिए कितने लोग हैं वहां पे, कितने कम एरिया में फैले हैं। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जो घनत्व वाला जिला है कैमूर या भभुआ, जो यहाँ पे सिर्फ 488 लोग रहते हैं। क्या ये घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है मतलब कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ऐसे चीजों को याद रखिएगा, जो हमारे लिए इंपोर्टेंट भी है ना। आगे बढ़े तो आगे देखते हैं, तो राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मैंने पहले या दूसरे लेशन में या वीडियो में मैंने बताया आप लोग को कि गोपालगंज है, जहाँ के लिंगानुपात क्या है 1021। अब लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों? लिंगानुपात होता है कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। और जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर, जहां पर सबसे कम मतलब कि 876 ही जो है लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। और कुल साक्षरता दर अगर हम बात करें 2011 के मुताबिक तो 61.8% है, और महिला साक्षरता दर है आपका 51.5%, पुरुष साक्षरता दर है आपका 78.2%। और देश के जो सभी 35 राज्यों के शासित प्रदेशों में अवरोही क्रम में बिहार का साक्षरता दर में सबसे अंतिम 35वां स्थान है। और आगे बढ़े तो देखते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, जहाँ पे 73.4% लोग साक्षर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया, जहाँ पे सिर्फ 51.1% लोग जो है शिक्षित है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला क्या है? अर्थात से रोहतास, जहाँ पे 82.9% लोग जो है शिक्षित है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया, जहाँ पे सिर्फ 59.1% लोग साक्षर है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या कितना है? दोस्तों ये सब मैंने डिस्कस कर रखा है, तो उसे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद 1,63,67,325 जो है ये आपके अनुसूचित जातियां हैं, और जिसमें से टोटल जनसंख्या की अगर बात करें बिहार का तो 15.9% है। और देश के 35 राज्यों के शासित प्रदेशों में अवरोही क्रम में बिहार का कौन सा स्थान है? दोस्तों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और मैंने आप लोग को बता रखा है, तो कमेंट करके प्लीज बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि तीसरा स्थान है अनुसूचित जाति में, और जबकि प्रतिशत के दृष्टि से यह देश में 15वें स्थान पर है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला गया है, और उसके बाद न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला जो है आपका गया है, जहाँ पे 30.4% लोग जो है अनुसूचित जाति के है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला किशनगंज है, सिर्फ 6.7% लोग जो है अनुसूचित है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, याद रखिएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला पश्चिम चंपारण है। ठीक, उसके बाद न्यूनतम जनजाति जो है जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला पश्चिम चंपारण, जहाँ पे 6.6% लोग जो है अनुसूचित जनजाति के, शेड्यूल ट्राइब्स की। ठीक, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला औरंगाबाद है, जहाँ पे सिर्फ 0.04% लोग जो है अनुसूचित जनजाति के हैं। और समस्तीपुर में जो है आपका 0.4%, 0.04%, खगड़िया में 0.04% जो है लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो ये सब आप अपने अगले लेशन में डिस्कस करेंगे शिक्षा की बात। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट सब ये सब, चलिए फिर भी मैं बता ही देता हूँ, वैसे मैंने ये सब डिस्कस कर लिया है, चलिए एक ओवरऑल देख लेते हैं। तो शिक्षा की अगर बात करें तो प्राचीन बिहार में शिक्षा जो एक विशिष्ट केंद्र रहा है, आप लोग को पता होगा नालंदा के बारे में, आप लोग वहाँ के इम्पोर्टेंस के बारे में पता होगा, उसके बाद जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पता होगा, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। और हमारे यहाँ जो है चीन से यात्री भी आए थे, और जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कुमार गुप्त जी ने किया था 415 से 454 ईस्वी में। और यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत सारे लोग बिहार सॉरी विदेशों से आते थे, और भिक्षु भी आते थे। और इन विदेशी शिक्षार्थियों में जो है इत सिंह चीन, वान चांग चीन, तारानाथ तिब्बत से, धर्म स्वामी तिब्बत से जो आदि का नाम उल्लेखनीय है। और अपनी प्राचीन गौरवशाली शैक्षिक पृष्ठभूमि के बावजूद वर्तमान में बिहार में शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है।
देखिए इतिहास तो अच्छा है लेकिन वर्तमान में जो हमारे शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। हमारा शिक्षा दर सबसे कम है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो जनसंख्या के जो अंतिम आंकड़े जो थे उसके अनुसार बिहार की साक्षरता दर सिर्फ और सिर्फ 61.80% है और जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 71.2 एवं महिला साक्षरता दर 51.5% है। लेकिन अब जो जनसंख्या होगा उसमें बिहार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। और 2001 की जनसंख्या के दौरान बिहार का साक्षरता दर कितना था? 47.5 थी, ठीक है। अब कितना हुआ 2001 के बाद? 61.80। और बिहार राज्य में साक्षरता की जो है सर्वाधिक दर रोहतास में, जहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं मैंने बताया था 73.4%। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है, जहाँ पे सिर्फ साक्षरता दर जो है 52.1% है। और ये रिलीजियस डेमोग्राफी है, ठीक है। तो हिंदुइज्म कितने हैं हमारे वहाँ पे, फिर इस्लाम कितने हैं, ये सब थोड़ा सा अगर हो तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हिंदुइज्म कितने हैं? 8 करोड़। हाँ, इतने के लमसम है वहाँ पे, क्योंकि 10 करोड़ 11 करोड़ आबादी है तो उसमें से सबसे ज्यादा तो हिंदुइज्म है, ठीक है। तो 8 करोड़ जो है, उसके बाद 7,76,919 के लमसम, फिर इस्लाम है, फिर क्रिश्चियन है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद हिंदी, जो बहुत सारे लोग, सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, और हिंदी इंडो आर्यन लैंग्वेज के या फैमिली के ग्रुप का है, भोजपुरी भी इंडो आर्यन का है। जो भोजपुरी सिर्फ 14% लोग बोलते हैं बिहार में। उसके बाद मगही जो है 12% लोग बोलते हैं, मैथिली जो है 51.27% लोग बोलते हैं, इसलिए मिथिला राज का जो है निर्माण की बात भी होती है, ठीक है। उर्दू जो है 16.91% लोग बोलते हैं, और फिर भी उर्दू को जो है दूसरा राजभाषा का दर्जा दे दिया गया हिंदी के बाद। बंगाली सिर्फ 0.53% बोलते हैं। संथाली जो है, हाँ संथाली एक इम्पोर्टेंट है, संथाली का जो फैमिली है लैंग्वेज वो क्या है? एस्ट्रोस्टिक, ये याद रखिएगा, एस्ट्रो एशियाटिक जिसे बोलते हैं, और सिर्फ 0.4% लोग जो है संथाली बोलते हैं। ये कास्ट डेमोग्राफी यहाँ पे दिया हुआ, कितने प्रतिशत लोग यादव हैं, ठीक है। ये सब सारे डाटा मैंने विकिपीडिया से और गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठा करके डाला था, तो हो सकता है पूछ ले आप लोगों से तो। और बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ही चलता रहता है, आप लोगों को पता ही होगा ये चीज सब, ठीक है। और उसके बाद मुस्लिम बिहार में सिर्फ 16.9% है, 70% की लमसम। और उसके बाद ये सब देखिएगा, आदिवासी तो सबसे कम है 1.3%, ठीक। और जिसमें कि अगर अदर्स में देखें तो क्रिश्चियन सिख और जैन में सिर्फ 0.4% लोग जो है कितने क्या है अदर्स में आते हैं। और 350 प्रकाश वर्ष आप लोग अगर याद हो तो याद कीजिए कि किस लिए मनाया गया था, याद है कि नहीं याद है, हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, तो ये लिंग्विस्टिक जो है डेमोग्राफिक दिया हुआ जो मैंने आप लोग को बताया दिया, और यहाँ पे ये आपका एजुकेशन इन बिहार दिया हुआ है कि ठीक है क्या क्या है नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने मेंस के हिसाब से ये आपको डाला था। और देख लीजिए बिहार में हिंदुइज्म जो है 82.69, इस्लाम जो है 16.87, क्रिश्चियन जो है 0.12, और अदर्स जो रिलीजन है 0.31, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये डिस्कशन कम्प्लीट होता है, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछिए, कोई लेसन बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बोलिए कि आप ये लेसन बनाइए, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं। अगर आप लोगों को कुछ जो ग्रुप में से जुड़ना है तो आप, मैं लिंक दे दूंगा यहाँ कमेंट बॉक्स में, आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको बोलिएगा तो मैं पीडीएफ भी उपलब्ध करवा सकता हूँ, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों फिर आप लोगों के साथ।